दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 1993 में आई पांच सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में। साल 1993 में जो पांच फिल्में टॉप पांच में रही थी उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लेकर इनकी परफॉर्मेंस तक। तो दोस्तों आप बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि साल 1993 में टॉप पांच फिल्मों में पांचवें नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था तिरंगा। दोस्तों तिरंगा फिल्म मुझे बहुत पसंद है। 29 जनवरी 1993 को आई थी फिल्म और इस फिल्म में नाना पाटेकर साहब और राजकुमार साहब के जो डायलॉग हैं वो देखने लायक है। आप जितनी बार भी इस फिल्म को देखोगे आपको ये फिल्म कहीं पे भी बोर नहीं करती है। अगर 10 फिल्में चल रही हैं सामने और चाहे तिरंगा फिल्म से भी अच्छी अच्छी फिल्में चल रही हैं, और अगर मुझसे कोई कहे कि आप इन सभी में कौन सी फिल्म देखना पसंद करोगे तो मैं कहूँगा कि 9 फिल्में बंद कर दीजिए, मुझे सिर्फ तिरंगा देखनी है, सिर्फ तिरंगा चलने दीजिए। जहाँ दोस्तों इस फिल्म में नाना पाटेकर साहब और राजकुमार साहब के डायलॉग और इस फिल्म की स्टोरी बड़ी लाजवाब थी। देशभक्ति फिल्म है ये, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। डायरेक्टर थे इस फिल्म के मेहुल कुमार। बजट था इस फिल्म का तकरीबन 3 करोड़ रुपए और इस फिल्म ने इंडिया में 6 करोड़ 70 लाख रुपये की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 12 करोड़ 20 लाख रुपये की। और ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और ये साल 1993 की टॉप पांच फिल्मों में पांचवें नंबर की फिल्म थी। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि चौथे नंबर पर कौन सी फिल्म थी साल 1993 में। फिल्म का नाम था बाजीगर। दोस्तों 12 नवंबर 1993 को आई थी ये फिल्म। शाहरुख खान साहब की बड़ी बेहतरीन फिल्म है। शाहरुख खान का जो किरदार था इस फिल्म में वो भी बड़ा लाजवाब था, देखने लायक था। काजोल, राखी गुलजार और शिल्पा शेट्टी भी थी इस फिल्म में और फिल्म के डायरेक्टर थे अब्बास मस्तान। बजट था इस फिल्म का तकरीबन 2 करोड़ रुपये और इंडिया में इस फिल्म ने 7 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 14 करोड़ रुपए की। और ये क्राइम ड्रामा म्यूजिकल फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों अगली फिल्म की बात करते हैं कि साल 1993 में तीसरे नंबर पर कौन सी फिल्म थी। फिल्म का नाम था डर। दोस्तों ये फिल्म तो आप सभी को याद ही होगी, ये करीब करीब सभी लोगों ने देखी होगी ये फिल्म, क्योंकि बहुत ही बढ़िया फिल्म है। 24 दिसंबर 1993 को आई थी ये फिल्म और इस फिल्म में शाहरुख खान साहब और सनी देओल साहब और जूही चावला मुख्य किरदारों में नजर आए थे। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि शाहरुख खान का जो किरदार था इस फिल्म में वो बड़ा ही लाजवाब था। सनी देओल साहब ने भी बढ़िया किरदार निभाया था इस फिल्म में, लेकिन शाहरुख खान की जो एक्टिंग थी वो बड़ी ही लाजवाब थी। यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था इस फिल्म को और इस फिल्म को बनाने में तकरीबन मेरे ख्याल से 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हाँ मुझे याद आ रहा है कि 2 करोड़ ही रुपये खर्च हुए थे इस फिल्म को बनाने में और इंडिया में इस फिल्म ने तकरीबन 11 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में इस फिल्म ने 22 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये एक ड्रामा थ्रिलर रोमांस से भरपूर फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। चलिए दोस्तों अगली फिल्म की बात करते हैं। फिल्म का नाम है खलनायक। संजय दत्त साहब की कौन भूल सकता है इस फिल्म को, बहुत ही बढ़िया फिल्म है ये और संजय दत्त साहब का जो किरदार था इस फिल्म में वो बड़ा ही लाजवाब था। 15 जून 1993 को आई थी ये फिल्म और इस फिल्म में जैकी श्रॉफ भी थे और संजय दत्त साहब थे, माधुरी दीक्षित थी इस फिल्म में, राखी गुलजार थे और इस फिल्म के गाने भी बड़े ही सुपरहिट थे, लाजवाब थे इस फिल्म के गाने। डायरेक्टर थे इस फिल्म के सुभाष घई। बजट इस फिल्म का था तकरीबन 3 करोड़ रुपये और इस फिल्म ने इंडिया में जो कमाई की थी वो 12.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में कमाए थे इस फिल्म ने तकरीबन 21 करोड़ रुपए। और ये एक एक्शन एडवेंचर क्राइम फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। बजट इस फिल्म का थोड़ा ज़्यादा था इसलिए सुपरहिट साबित हुई थी। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि साल 1993 में टॉप पाँच फिल्मों में नंबर वन पे कौन सी फिल्म थी, या साल ऐसा कह लीजिए आप कि साल 1993 में सबसे नंबर वन कौन सी फिल्म थी जो सबसे पहले नंबर पर रही थी। फिल्म का नाम है आंखें। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता चलूँ यहाँ पे कि टॉप पाँच फिल्मों में आती है मेरी आंखें फिल्म। ये आंखें फिल्म ऐसी है और एक अजय देवगन साहब और आमिर खान की फिल्म है इश्क और आंखें। इन दोनों फिल्मों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। ये फिल्में मैं तकरीबन 100 से भी ज़्यादा बार देख चुका हूँ और आंखें, इश्क और भी 2-3 फिल्में हैं जो मेरी लिस्ट में हैं, फिलहाल उनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आंखें फिल्म में इंसान कहीं भी बोर नहीं होता है और इश्क फिल्म भी एक ऐसी फिल्म है, इन दोनों फिल्मों में आप कहीं भी बोर नहीं हो सकते हो, आप चाहे इन फिल्मों को 100 बार देख लीजिए। आंखें फिल्म 9 अप्रैल 1993 को आई थी और इस फिल्म में चक्की पांडे भी थे, गोविंदा भी थे और राजबब्बर कादर खान भी इस फिल्म में नज़र आए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन। बजट था इस फिल्म का तकरीबन 3 करोड़ रुपए
और इंडिया में इस फिल्म ने तकरीबन 14 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 25 करोड़ रुपए कमाए थे इस फिल्म ने। और ये एक एक्शन कॉमेडी क्राइम फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म की कहानी, इस फिल्म की कॉमेडी, इस फिल्म के गाने बड़े ही सुपरहिट थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये आंखें जो फिल्म थी, ये साल 1993 की सबसे नंबर वन फिल्म थी। और इन पांचों फिल्मों में आपको सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म पसंद है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।